Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हंसने च बाबा को देखकर हंसने च हंसने च हंसने च इसे बोले बाबा बुरी नजर से बचाए। आज तेरे बाबा के दिल को सुकून मिला है कि फिर से आंगन में सरस्वती आई है। ये परमोक्ष जी खुशी से इतने क्यों गदगद हो रहे हैं? प्यारे प्यारे कपड़े लाए, मैं पहनाता हूँ अपनी रानी बिटिया को कपड़े। अरे नहीं नहीं मामा जी, पहले बच्ची को तिलक तो लगा दे। सौरा जी तिलक तो लगा दीजिए, मैं कुमकुम लेकर आता हूँ। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं इस बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। यार दिमाग खराब छो, ये सब बातें ना तेरी समझ में नहीं आने वाली। अब तू देख मैं कैसे माँ और पिता दोनों का प्यार देकर स्वराजी को प्रभावित करता हूँ। सरस्वती की लाश की तरह ये बच्ची भी मंत की पदवी तक पहुँचने की सीढ़ी है। ये लीजिए स्वराजी कुमकुम, तिलक लगाइए। नहीं आलेख, सरस्वती की जान बसती थी इस बच्ची के मामा में। तिलक न लगाने का अधिकार तो नीलकंठ को ही मिलना चाहिए। नीलकंठ ये लो तिलक लगाओ। मैं इसे तिलक नहीं लगाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो नीलकंठ? किस मुंह से आशीर्वाद दो? उस रिश्ते को निभाने में मैं तो उस रिश्ते के जोड़ने से पहले ही फेल हो गया। लोग जानते हैं क्या क्या सपने देखे थे मैंने और भगज ने इस बच्ची को लेके। खैर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस बच्ची को तब तक नहीं देखूंगा जब तक मैं इसकी मां की मौत का बदला नहीं ले लेता। सॉरी गोलू। तू अपने मामा की नन्ही परी है लेकिन मामा आज उस लायक नहीं है कि तुझे अपने बाहों में ले या तुम्हारे साथ खेले। मैं तुझे उस दिन अपनी भावों में लूंगा मेरी नन्ही परी, जब मैं तुझसे नजरें मिलाने के लायक रहूंगा। मुझे माफ कर देना। तू चिंता मत कर नील, मुझे पता है तू उस डॉक्टर बेग को ढूंढ निकालेगा और तू अपना बदला भी जरूर लेगा। हम सबको पूरा विश्वास है तुझ पर। चल अभी चल, ब्राह्मणों को भोग दे आते हैं। हाँ
मानती हूँ कि नील के अंदर बहुत गुस्सा भरा है, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं है कि वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए मेरे बाबा को जलील करे। आज तक तो मैं उन्हें बदतमीज समझती थी अम्मी, लेकिन आज पता चला कि वो तो एहसान फरामोश भी हैं। कैसे गुस्सा ना करूं अम्मी, उन्होंने सबके सामने जानबूझकर बाबा को जलील किया, उन पर घटिया तोहमतें लगाई। अम्मी, बाबा को बेगुनाह साबित करना मेरी चाहत नहीं, जिद भी बन चुकी है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये सब मैं कैसे करूंगी, क्योंकि बाबा को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत भी कहाँ है मेरे पास। धक्का? मुझे बस इतना याद है कि सरस्वती दी आखिरी सांस लेने से पहले कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जैसे धक्का, जैसे उन पर किसी ने जानबूझकर कुछ हमला किया हो। चाहत ये तुम्हारे लिए कपड़े। नवेली, तुमसे कुछ बात करनी थी। सुना था उस रात परमुख जी के साथ तुम भी सरस्वती दी को हॉस्पिटल लेकर गई थी। सुना था बेचारी दर्द से कराह रही थी। तुम्हें कुछ पता है वो दर्द शुरू कैसे हुआ? मेरा मतलब उन्हें कोई चोट वोट लगी थी क्या? अब देखो चाहत, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं अब तक इस बात के सदमे में हूँ कि चीची इस तरह हमको अचानक छोड़ के कैसे जा सकती है। नवेली, इस तरह दर्द को छुपा के रखोगी तो वो नासुर बन जाएगा, और ऐसा कोई दर्द नहीं है जो बांटने से हल्का ना हो। बताओ ना उस रात क्या हुआ था, बताओ प्लीज नवेली। क्या बताओ चाहत, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। नवेली, अब तुम्हारी गर्दन पर ये निशान, अच्छा तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। फिकर को बताओगे क्या? क्यों, घर वालों को नहीं पता क्या? दूसरे धर्म का है? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली वो मंदिर के लिए छोटे मोटे काम करते हैं, बहुत गरीब हैं, इसलिए घर वाले कभी मानेंगे नहीं। सरस्वती भी जानती थी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में? मेरा मतलब वो तो तुम्हें सपोर्ट भी करती होंगी। तुम्हें कैसे पता? चीची को तो एक आंख नहीं भाते थे वो। देखो, अपना मुंह बंद रखो, किसी को भी इसके बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? चाहत, चाहत उठो। चाहत, भांग पी के सो गई है लड़की। बग्स भी सही कह रही थी, इस घर को प्लंबर की जरूरत है। ओ मैडम उठो, वरना छत की मरम्मत तुमसे करवाऊंगा। चाहत ऐसे नहीं मानेगी है।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।